दोस्तों ये देखिए, तो अंजीर की कटिंग पे जो है तो इसमें फ्रूटिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारा करीब 2 साल पहले जो है कटिंग के द्वारा उगा हुआ पौधा है। तो ये करीब 6 से 7 फीट का ये पौधा हमारा हो गया है, और इतनी जल्दी जो है कटिंग के द्वारा ये पौधा तैयार किया था। तो इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे जो फ्रूट है वो बनने भी लग गए हैं। तो आप भी जो है बहुत आसानी से जो है तो अंजीर को कटिंग के द्वारा जो उगा सकते हैं। और इसको उगाने के लिए जो है तो आप बरसात के मौसम में आप इसकी कटिंग लगाइए, तो कटिंग जो है बहुत आसानी से इसकी लग जाती है। और अंजीर का जो है लगाने के लिए जो है तो इसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, और ये बहुत ही कम देखभाल में जो है तो अंजीर का पौधा अच्छे से जो है तो इसकी ग्रोथ होती है। और इसमें देखिए तो छोटे छोटे जो है फ्रूट भी बनने लग गए हैं। करीब 2 साल पहले जो है हमने कटिंग के द्वारा जो है उगाया था, तो इसका रिजल्ट जो है आप देख रहे होंगे, इसमें फ्रूट भी बनने लग गए हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है तो आप 1-2 साल में जो है तो कटिंग के द्वारा जो पौधे उगे हुए हैं उनमें आप फ्रूट ले सकते हैं। और ये जो है हमने नर्सरी बैग में इसको लगाया था, तो नर्सरी बैग में लगाने के बाद जो है तो इसमें 2 साल में फ्रूट भी आने लग गया है। और नर्सरी बैग में लगाने के बाद जो है तो आप इसको जैसे 1 साल का हो जाता तो किसी बड़े पॉट में या फिर कहीं ज़मीन में आप लगा दीजिए, क्योंकि ये जो नर्सरी बैग है इसको जो है नीचे से फाड़ करके जो है नीचे इसकी जड़ें जो है ज़मीन के अंदर जो है चली गई हैं, और इसकी रूट जो है इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, और ये बहुत तेज़ी से जो है तो बढ़ता है इसका पौधा। और इसको फ्री में जो है आप कटिंग के द्वारा उगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे नर्सरी से भी ख़रीद सकते हैं। तो इसके पौधे नर्सरी में भी आपको बहुत आसानी से जो है तो मिल जाएंगे। और अंजीर को जो है तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी जो है ज़रूरत नहीं होती है इसको। बहुत ज़्यादा जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पर आप इसको ना लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और पानी जो है कम हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पर आप इसको ना लगाएं, इसकी जो जड़ें ख़राब हो के पौधा जो है ख़राब हो जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो गर्मियों के मौसम में जो है तो आप जब छोटा पौधा है तो आप 1 हफ्ते में पानी दे सकते हैं, और जब बड़ा पौधा होता है तो ये इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, आप महीने में भी इसमें पानी दें तो चल जाता है। और इसको फ्रूट लेने के लिए जो है तो इसकी प्रूनिंग आप समय समय पर करते रहें, तो इससे जो है तो ज़्यादा इसमें फ्रूट आने लगेंगे। और किसी भी फ्रूट प्लांट में जो है तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी बीमारी की बात करें तो इसमें कोई भी ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं इसके पौधे पर। और इसमें जो है एक जो है कीड़ा होता है जो कि इसके तने में अंदर जो लग जाता है वही इसको अंदर से खोखला कर देता है, और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को यह रोग नहीं मिलता है। तो इससे इसी तरह से जो है तो आप बहुत ही कम देखभाल वाले पौधे अंजीर को आप घर में बहुत आसानी से जो है तो कटिंग के द्वारा उगा सकते हैं। बरसात के मौसम में जून जुलाई अगस्त में आप इसकी कटिंग लगाइए, तो बहुत आसानी से जो है तो बहुत कम समय में 1 महीने में आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी, और जो है आप फ्री में पौधा तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।